हर हर महादेव। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप अपनी किचन में से कितनी सारी चीज़ों का प्रयोग करके हेल्दी, हैप्पी, प्रॉस्परस रह सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द रेमेडीज़ विच आई यूज़ फॉर माई सेल्फ, फॉर माई स्किन बेदिंग। इट्स काइंड ऑफ अ स्क्रब, एक्सफोलिएटिंग स्क्रब फॉर द स्किन विच इज़ वेरी गुड। इट रिमूव्स द डेड सेल्स फ्रॉम द स्किन and makes you glow and also removes the fine lines, but not in the first use, but eventually you see the results. And it's very very basic and simple thing. You can make things at home. You don't need to spend a lot of money, you know, on the products. So this is one thing I'm telling you. So ये जो है brown sugar है, आप देख सकते हैं। क्योंकि ये खुरदरी है तो अपना काम करेगी आपकी स्किन के ऊपर। मैंने एक किनू लिया है हाफ, आप लेमन भी ले सकते हैं। कॉफ़ी है और हनी है, इसके अलावा ऑयल भी है, एप्रिकॉट ऑयल या ऑलिव ऑयल इसमें यूज़ किया जा सकता है। अगर आपको 3-4 दिन तक ये प्रोडक्ट अपने पास रखना हो, 3-4 दिन तक यूज़ करना हो, तो आप इसमें ऑलिव ऑयल या एप्रिकॉट ऑयल मिक्स कर सकते हैं। करना ये है कि एक चम्मच आपको शक्कर लेनी है, दिस ब्राउन शुगर, उसमें 1 चम्मच से 1.5 चम्मच हनी मिक्स करना है, 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर इसमें आपको डालना है, आपको हाफ लेमन जूस हाफ लेना है, हाफ कट, और इसमें मिक्स करना है। ये किन्नू है, मैंने किन्नू लिया है बिकॉज मुझे ये संतरा या किन्नू आप ले सकते हैं, तो मैं मुझे इसका जूस ज़्यादा पसंद है। तकरीबन ये 1 से 2 चम्मच मैं इसमें लूँगी। गुठली आप निकाल दें, यदि आप किन्नू नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसे नहीं भी डाल सकते, ऐसा नहीं है, आप इसे स्किप कर सकते हैं। आप सिर्फ शक्कर में कॉफ़ी पाउडर और हनी ये मिक्स करें और एप्रिकॉट ऑयल मिक्स करें। जब जो रेशियो मैंने बताया उसके हिसाब से फिर आपको एप्रिकॉट ऑयल अगर डालेंगे तो 1 टेबलस्पून डालना होगा, और इसको अच्छे से आप फेंट लें, मतलब मिक्स कर लें, और उसके बाद इसको आप अपनी स्किन पर, हाथों पर या फेस पर या बॉडी पर यूज़ कर सकते हैं, और आप देखेंगे कि आपको आपकी स्किन स्मूथ हो जाएगी। जब आप एक बार इसको करेंगे, अपने फेस पर इस्तेमाल करेंगे, तो आपकी स्किन बहुत स्मूथ हो जाएगी, डेड सेल्स निकल जाएंगे, व्हाइट हेड्स हैं या ब्लैक हेड्स हैं वो भी काफ़ी हद तक निकल जाएंगे। जो इन स्किन होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा डीपली जो आपके ब्लैक हेड्स या व्हाइट हेड्स होते हैं, उनको निकालने के लिए कभी कभी आपको ब्लैक हेड रिमूवर या व्हाइट हेड रिमूवर यूज़ करना पड़ता है। बट आई प्रेफर कि इसको अगर हम रेगुलरली यूज़ करते हैं, क्योंकि ब्लैक हेड रिमूवर जब हम यूज़ करते हैं तो हमारी स्किन को डैमेज करता है वो। इट्स बेस्ट कि हम इस तरह का घर पे बना हुआ स्क्रब यूज़ करें, तो इससे नुकसान नहीं होता और ये आपकी स्किन को ज़्यादा फ़ायदा देता है। आई होप ये टिप आपको पसंद आया होगा, बिकॉज मैं यूज़ करती हूँ तो मुझे लगा मैं आपको भी बताती हूँ। सॉरी मैं आपको करके नहीं दिखा पा रही, बिकॉज मैं ही रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो इसको मेरे लिए मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कि एक हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ रखा है, क्योंकि मेरा स्टैंड अभी आया नहीं है, तो जब वो स्टैंड आ जाएगा तो फिर मैं आपको प्रॉपरली ये करके भी दिखा सकूंगी। आगे कुछ जो ऑल रेमेडी बताऊंगी रेमेडीज, तो वो मैं आपको अच्छे से करके दिखा सकूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करें, अगर आप फेसबुक पेज से इसे देख रहे हैं तो आप फॉलो करना ना भूलें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें,
और अगर आप इसे YouTube पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशंस रेगुलरली मिलती रहे। अगर आप Instagram पे इसे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना ना भूलें, और अगर आप इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजें। आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स एंड शेयर मुझे मोटिवेट करते हैं और अच्छा मटेरियल आपके लिए लेकर आने के लिए। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। जय भवानी, जय खंड भारत, जय हिंदू राष्ट्र।